हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीचेसर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा सेकंड शिफ्ट का है, हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्ले, याद रखिएगा प्ले यहाँ वर्ब नहीं है, ये नाउन की तरह, प्ले मतलब होता है नाटक, ठीक। द प्ले वॉज, जो नाटक जो था वॉज था क्या ऐसे था, आइदर एज फनी या तो उतना ही हास्यास्पद था, और या फिर एज डिस्टर्बिंग या फिर उतना ही निराशा से भरा हुआ था, एज जितना कि एज जैसा कि शिवम टोल्ड इट वॉज, जैसा कि शिवम ने उसके बारे में बताया था, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस को पढ़ने से पता नहीं चलेगा कि सेंटेंस में एरर है या नहीं है, यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस में मीनिंग से रिलेटेड एरर है, तो यहाँ सेंटेंस की मीनिंग हमें क्लियरली समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ दो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है समझना, दो कंजंक्शन याद रखिएगा, एक कंजंक्शन होता है आयदर, और आयदर के साथ हमेशा क्या लगता है, और लगता है, और एक कंजंक्शन होता है नायदर नॉर, और नायदर नॉर के नायदर के साथ हमेशा क्या आता है, नॉर आता है, ठीक। आयदर का मतलब होता है या तो, और का मतलब भी या फिर, ठीक, या तो या फिर के सेंस में चलता है, और नायदर नॉर के साथ जब चलता है तो नायदर का मतलब ना तो ये, और नॉर मतलब ना फिर वो के सेंस में इस तरह से चलता है, ठीक। तो हमें यहाँ देखना है कि देखिए आयदर के साथ और आना चाहिए, नायदर के साथ नॉर आना चाहिए। अब अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में तो देखा जाए तो ठीक है, आयदर आया है, आयदर के साथ और तो आया है, लेकिन यहाँ मीनिंग क्या देना चाह रहा है। अच्छा सोच के बताइएगा, सपोज करिए किसी ने आपको कोई कहानी बताई कि जाओ थिएटर में ये मूवी लगी है, देखो इस मूवी में ये चीज़ें हैं, देखोगे तुम्हें मज़ा आएगा या तुम्हें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा जो भी है, ठीक। अब आप उस मूवी को देखने गए और देख के आने के बाद आप क्या बोलेंगे कि उसने जो मूवी बताया था या तो मज़ेदार थी या तो डिस्टर्बिंग थी, या फिर ये कहेंगे उसने जो मूवी बताया था ना तो मज़ेदार ही थी ना तो डिस्टर्बिंग थी। तो हमें पता है कि जब आप देख कर आएंगे तो या तो का सेंस नहीं लेके चलेंगे बल्कि ना तो का सेंस करेंगे, देखो उसने जो मूवी बताया था देखो ना तो मज़ेदार ही थी ना तो कोई डिस्टर्बिंग थी, कोई मज़ा नहीं आया उसमें। तो ना तो का सेंस होता है कि उसको आप देख कर आए, अगर देख कर ना आए होते तो आप गेस करते, आप कहते वो मूवी या तो ऐसी होगी या तो फिर वैसी होगी, लेकिन अगर देखने के बाद अगर आ रहे हैं तो उस कंडीशन में बोलेंगे ये तो ना तो ऐसी थी ना तो वैसी थी, ये सेंस बनता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि द प्ले वॉज, जो नाटक था, मतलब था का मतलब है ये हो चुका है काम, ये बीती हुई बात है, तो कह रहा है जो नाटक था। अब ये कह रहा है कि देखिए लास्ट में क्या कह रहा है कि एज जैसा कि शिवम टोल्ड इट, जैसा कि शिवम ने बताया था, देखिए ये बताया था इसका मतलब कि पहले उसे बताया गया फिर सब देखने गए, तो क्या जैसा कि शिवम ने बताया था जो नाटक जो था ना, या तो फनी था या तो डिस्टर्बिंग नहीं, बल्कि जैसा कि उसने बताया था वो नाटक ना तो फनी ही था और ना तो डिस्टर्बिंग था, तो ना तो का सेंस चलेगा, इसका मतलब नायदर नॉर लगेगा, आयदर और की यहाँ ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ नायदर नॉर देखिए ऑप्शन में कहाँ आया है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये आया है ऑप्शन नंबर सी में आया है, नायदर एज फनी और नॉर एज आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी में भी देखिए नायदर आया है, लेकिन नायदर के साथ देखिए यहाँ और लगा दिया गया, तो नायदर के साथ और नहीं लगता नॉर लगता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और बी वाला ऑप्शन तो वैसे भी आयदर के साथ नॉर नहीं लगता, यहाँ पर भी और ही आएगा और नो इंप्रूवमेंट लगा नहीं पाएंगे, इसलिए नो इंप्रूवमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। तो मे भी थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे ना तो आंसर समझ में आ जाएगा।